हेलो गाइज, आज हम इस क्वेश्चन को 11th स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, इससे पहले आपने जो वीडियो नहीं देखा है वो आप पहले वीडियो को देखिए, तब जाके ये क्वेश्चन सारे आपको समझ में आएंगे। इससे पहले वाला वीडियो मेरा अपलोड किया हुआ है, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का था और 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन उसमें करवाए हुए थे। तो पहले उस वीडियो को देखिए आप, तब जाके आपको ये वीडियो आपको समझ में आएंगे, यानी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट क्वांटिटी मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द ईच टर्म ऑफ द रेशियो 9:17 टू मेक इट इक्वल टू 1:11। तो सबसे पहले इसमें क्या बोला है कि क्या क्वांटिटी इसमें सप्रेट करें, तो लेट करके, लेट सब्ट्रैक्टेड क्वांटिटी क्या मान लेता हूं, मैं एक्स मान लेता हूं, यानी इस रेशियो में मैं कौन सी क्वांटिटी माइनस कर रहा हूं, ये वाली क्वांटिटी, तब आपका किसके इक्वल हो जाता है, 1:3 के इक्वल। अब मैं आपको बताया था कि कोई भी रेशियो गिवन है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जैसे ये 9:17 है, उसको मैं लिख सकता हूं 9/17। अब इसमें से अपन क्या माइनस कर रहे हैं, एक्स, और इसमें से क्या कर रहे हैं अपन, एक्स माइनस कर रहे हैं। तो आपकी जो क्वांटिटी है वो कितना हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, इस 3 का मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 27-3x इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा अपना 17 माइनस का x, ये मैं इसको लिख सकता हूँ। अब उसके बाद में ये 3x इधर आएगा तो कितना, पॉजिटिव 3x माइनस x, और ये 17 इधर आएगा तो कितना आ गया, माइनस का 27 माइनस 17 कितना, 10। तो 10 इक्वल टू 3x माइनस x कितना, 2x। यहां से यदि मैं वैल्यू निकालूं x की तो कितनी आएगी, 10/2 कितना, 5। ये आपका आंसर आ गया, यानी कौन सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, x इक्वल टू 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, सबसे पहले यहां पे मंथली पॉकेट मनी ऑफ द रवि एंड संजीव आर इन द रेशियो, यानी जो रवि और जो संजीव है उन दोनों का जो रेशियो गिवन है कितना, 5:7। ये कौन सी है, इनकी पॉकेट मनी की है, यानी जो मंथली जो पॉकेट मनी है उसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, चलो लिख देता हूँ, पॉकेट मनी का रेशियो है, ये पॉकेट मनी का रेशियो है। अब मेरे पास में, यानी ये दोनों जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, वो कितना है, एक्सपेंडिचर रेशियो कितना आपके पास में, 3:5। कुल सेविंग, यानी जो टोटल सेविंग अमाउंट कितनी है, टोटल सेविंग अमाउंट कितनी है, 80 रुपीज ईच है। यानी इस रवि के पास में यदि पॉकेट मनी 5 है, उसमें से 3 खर्च कर दिया तो उसके पास में कितने रुपए बचेंगे, 80। देखना ध्यान से, मान लीजिए आपके पास में 100 रुपीज है, उस, यानी ये टोटल रुपीज हो गया, उस 100 में से आपने खर्च कर दिए 70 रुपीज, और रिमेनिंग कितनी, 30 रुपीज। तो ये तो क्या है, टोटल अमाउंट माइनस क्या करना है आपको, एक्सपेंडिचर इक्वल टू बचा क्या, सेविंग, ये पता होना चाहिए आपको। अब देखिए, मैंने आपको एक चीज बताया था, ये टोटल रुपीज दिया हुआ है, रेशियो गिवन है, तो उसको किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके उसको चेंज कर सकता हूं। तो यहां से यदि मैं वैल्यू निकालूं तो जो रवि की वैल्यू है और जो आपका संजीव है उनकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, यहां से रवि 5 है तो इसकी वैल्यू 5a, मैंने कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं
तो इनका जो अब रेशियो नहीं है ये, क्योंकि मैंने कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पॉकेट बनी रवि की कितनी हो गई, 5A, और इसकी कितनी हो जाएगी, 5B। फिर ये तो हो गया पॉकेट, एक्सपेंडिचर कितना हो गया, मैं बी से मल्टीप्लाई यानी ए से कर दिया, अब मैं बी से करूंगा इसको तो 3B, और इसकी अमाउंट कितनी आ जाएगी, 5B आ जाएगी। अब देखिए, अब अगले ने ये बोला है कि जो रवि है, रवि के लिए जो इक्वेशन क्या मिली, 5 टोटल रुपीज एंड पॉकेट मनी है, उसमें से 3B इसने खर्चा कर दिया, तो रिमेनिंग कितनी अमाउंट बची, ये क्या है, टोटल सेविंग अमाउंट ऑफ ईच पर्सन, ये ध्यान रखना, ये इक्वेशन मिल जाएगी। फिर मैं आगे बात करूं इसकी, जो दूसरा कैंडिडेट कौन सा आपका, ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट हो गई। अब जो दूसरा कैंडिडेट है वो है आपका संजीव, संजीव के लिए देखिए टोटल अमाउंट कितनी है, 7A, उसमें से खर्चा कितना कर दिया, 5B, सेविंग कितनी, 80 रुपीज, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। आई होप समझ में आया होगा आपको। अब इन दोनों इक्वेशन को अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए ऊपर देखिए आप, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन के जो वेरिएबल ए और बी के अंदर है, इनकी कोफिशिएंट को देखिए, क्योंकि नाइन्थ क्लास में आपने काफ़ी इक्वेशन पढ़ के आए हो, तीन तीन मेथड वहाँ पे दिए हुए आपको कि दो लीनियर इक्वेशन, ये क्या है आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर आपकी इक्वेशन है। तो मैं यदि मैं इसको सोल्व करूँ तो कैसे कर सकता हूँ, इसको मैं 3 से यानी 5 से मल्टीप्लाई करूँ और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो देखिए, यानी क्या करना है आपको, इक्वेशन 1 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3 से, और इसमें से आप क्या कर दो इसको माइनस। अब यदि मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 20A माइनस 15B इक्वल टू कितना, 400, ये आ जाएगा। इसको 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 21A माइनस इसका कितना, 15B इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 80 को मैं 3 से करूंगा तो 240, ये आ जाएगी वैल्यू। इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये आ जाएगा। अब देखिए, फाइव ए है इतना सही है ना, 5A, और ये आपका एक्सपेंडिचर माइनस 5B इक्वल टू 0 आ गया। इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25 हो गया, और ये 15 हो गया, ये 25 है आपका। अब क्या करना है, इस इक्वेशन में से इसको माइनस करना है। तो देखिए, माइनस करते साइन चेंज, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये वाली ये नई वैल्यू, ये सेम वैल्यू है, कैंसिल आउट। 25 में से 21 गया तो कितना, 4A इक्वल टू 400 में से 240 जाएगा तो कितना आएगा, देखो 061 160, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40, ये अपना आंसर, A की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 40। उसके बाद में मैं बात करूँ, A की वैल्यू आई है तो अब मैं B की वैल्यू निकालूँ तो B की देखिए, या फिर ऐसे ही काम चल जाएगा, आपको क्या निकालना है, फाइंड द पॉकेट मनी। तो देखिए ध्यान से, आपको तो ये निकालना है, तो पॉकेट यहाँ से मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ पॉकेट मनी ऑफ रवि, रवि की पॉकेट मनी कितनी हो जाएगी, 5A, 5 into A कितना, 200 रुपीज। फिर मैं दूसरे की बात करूं, कौन है, संजीव है, तो संजीव की जो पॉकेट मनी है वो कितनी, 7B, ये रहा 7A, तो 7 into
ए की वैल्यू कितनी है 40, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 480। तो ये आपका इज सेविंग इज फाइंड द देयर मंथली पॉकेट मनी, ये दोनों का आंसर आ जाएगा। अब यहां से देखना आप, ये तो आप नोट डाउन कर लेना, यहां से मैं आपको 100 ट्रिक बताता हूं, देखना ध्यान से देखना बस, आपको समझ में आएगा। आप ध्यान से लगा के देखोगे तो मैं 100 ट्रिक बता रहा हूँ आपको, एग्जाम में अप्लाई नहीं करनी है, बस आंसर चेक करने के लिए। देखिए जो संजीव है, रवि और संजीव है, उनका टोटल मनी कितनी है 5:7, ये है आपका। या फिर आप ऐसे करो कि यहाँ पे मैं रवि ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं संजीव ले लेता हूँ, और जो टोटल पॉकेट मनी है उसका रेशियो और एक्सपेंडिचर का रेशियो वो कितना है, इसकी इसका रेशियो कितना आपके पास में, रवि का 5 और इस संजीव का 7, और फिर इस एक्सपेंडिचर ये है तो इसका रेशियो कितना है 3 और 5। देखना ध्यान से, यदि मैं टोटल पॉकेट मनी से एक्सपेंडिचर को माइनस करूंगा तो कितना आया 2। ये 2 क्या आपका सेविंग अमाउंट है, और सेविंग अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितनी कितनी गिवन है आपको 80। यहाँ से यदि मैं 1 की वैल्यू निकालूँ तो आंसर आ जाएगा 40 रुपीज़। ये तो पता होगा आपको यूनिटरी मीटर, 80/20=40 रुपीज़, क्योंकि ये रुपीज़ में वैल्यू आपको गिवन है। अब दोनों की वैल्यू निकालनी थी आपको, तो देखो मैं रवि की निकालूंगा तो रवि के लिए 1 की वैल्यू कितनी मिली 40, आपको निकालने कितने की है 5 की, क्योंकि पॉकेट मनी तो यही है 5 की, तो कितना आ जाएगा 200। अब मैं संजीव की निकालूं, संजीव के लिए टोटल 1 की वैल्यू कितनी है 40, निकालना किसकी है 7 की, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो 280। देखो दोनों से आंसर आ रहा है, तो आप जो पहले मेथड वो आपको एग्जाम में अप्लाई करना है। ये तो था आपको ओनली सिखाने के लिए, तो देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या है, देखिए द वर्क डन बाई एक्स माइनस 2 मैन, यानी यहाँ पे क्या है इतने मैन है और कितने डेज में कर रहे हैं 4x+1, तो यहाँ से टोटल वर्क कितना हो गया कि नंबर ऑफ मैन को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ टोटल नंबर ऑफ डेज में से, तो यहाँ से टोटल वर्क आ गया। फिर द वर्क डन बाई कितने 4x+1 मैन इंटू डेज कितने हैं 2x-3, ये ध्यान रखना कि नंबर ऑफ मैन को नंबर ऑफ डेज से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। डेज आर इन द रेशियो, किस रेशियो में 3:8, ये यहाँ से आपको क्या निकालनी है एक्स की वैल्यू निकालनी है, 4x से 4x कैंसिल आउट, ये 8 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से मिल जाएगा आपको ये 8 इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी 8x-2=3×2x-3, समझ में आया होगा आपको। देखिए आगे 8x-16=6x-9, यहाँ से 8x और ये 6x इधर आएगा तो कितना रिमेनिंग 2x, ये 16 इधर आएगा तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव वैल्यू है तो आपकी जो वैल्यू आएगी यानी 16 माइनस 9 कितना आपके पास में वैल्यू 7, यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो 7/2 कितना 3.5, ये आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब यदि आपको ये बोल दे कि नंबर ऑफ मैन कितने हैं तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, नंबर ऑफ मैन आ जाएंगे। यदि ये बोले कि नंबर ऑफ डेज कितने हैं तो यहाँ से नंबर ऑफ डेज भी आपके आ जाएंगे। फिर अगला ये बोले दूसरी कंडीशन के लिए भी आपका वैल्यू आ जाएगी। अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 आपका द मेन फेयर बिटवीन द टू सिटी इन इंक्रीज इन द रेशियो 7:9। अब इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि इंक्रीजिंग, एक हेडिंग मैंने बीच में छोड़ी थी आपको पता हो तो,
इंक्रीज या डिक्रीज कोई वैल्यू दी हुई है और किस में, इन ए रेशियो के अंदर। यहां से मुझे क्या निकालना है, फॉर्मूला कौन सी, जो एक्चुअल प्राइस है आपकी वो यहां से, यानी जो इंक्रीजिंग प्राइस है वो निकालनी है। मान लो कि वो जो क्वांटिटी है वो ए रेशियो बी के अंदर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ए टू बी के अंदर वो रेशियो में इंक्रीज हो रही है। तो यहां से जो इंक्रीजिंग प्राइस है वो कितनी होगी, इंक्रीज वैल्यू कितनी है, बी। किस पे, कौन सी वैल्यू पे हुई है, ए पे हुई है। सही से लिखता हूं मैं, बी अपॉन में ए इंटू, इसके साथ में मल्टीप्लाई कौन सी करनी है आपको, जो ओरिजिनल प्राइस है ये, इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहां पे अपन ये इक्वेशन लगाएंगे, यानी यही फॉर्मूले का यूज यहां पे मैं करूंगा, इसीलिए मैंने बीच में हेडिंग आपको स्किप कर दिया था आपकी हेडिंग को। चलो स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट है उसमें आपको क्या निकालना है कि ओरिजिनल फेयर कितना है। अब ये प्राइस ही है 240 है और आपको निकालना क्या है कि इंक्रीजिंग फेयर। तो देखिए इंक्रीजिंग फेयर इक्वल टू, इस ओरिजिनल फेयर कितना है, 7:9 है। तो 7:9 की वैल्यू बढ़ रही है, किस पे बढ़ रही है, 7 पे बढ़ रही है। ओरिजिनल प्राइस कितनी आएगी, 245 आ जाएगी। अब इसको अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट होगी तो कितना आ जाएगा आपका, 3 और 5 आ जाएगा। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना, 5 कैरी कितना, 4, 9 × 3 कितना, 27 और 4 कितना, 30, कितना आया, 315 आया, 315 रुपीज आया। अब यहाँ से यदि मुझे वो कि इंक्रीजिंग वैल्यू कितनी आई है, ये तो आपका क्या हो गया, इंक्रीजिंग फेयर हो गया, कितना इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो इंक्रीजिंग प्राइस आपका वो कितनी, यानी जो फेयर है इंक्रीज कितनी वैल्यू हुई, वो ओरिजिनल वैल्यू कितनी आपकी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जो इंक्रीजिंग जो ओरिजिनल आपका, या फिर ऐसे जो इंक्रीजिंग प्राइस की वैल्यू मैं निकाल लूँ, या फिर आप फेयर क्वांटिटी निकाल दो, ऐसे ऐसे करो, क्या लगाओगे, फेयर क्वांटिटी। तो ये तो फेयर क्वांटिटी हो गई, किस पे हो गई, 245। यहाँ पे भी आप यही लगा दो फॉर्मूले में, फेयर क्वांटिटी प्राइस, ऐसे बोल दो, क्वांटिटी प्राइस, यहाँ पे फेयर निकालना था आपको। तो देखिए जो इंक्रीजिंग प्राइस है वो हुई कितनी, वो निकालनी है, इंक्रीजिंग प्राइस। देखिए ओरिजिनल, अब ये तो क्या है, फेयर क्वांटिटी है। इस फेयर क्वांटिटी में से आपकी जो ओरिजिनल क्वांटिटी है वो माइनस कर दो, यानी ये तो ओरिजिनल आपकी जो फेयर क्वांटिटी थी, यानी आपका जो फेयर था रुपीज़, वो कितना था, 315 था, इसमें से आप माइनस कर दो कितना, 450, तो कितना आ जाएगा आपका, 0। 11 − 4 कितना, 770 रुपीज़ आ जाएगा। ये आपका वैल्यू आ जाएगी। आंसर मैं चेक कर लेता हूँ एक बार कि कितना आंसर यहाँ पे, 70 है, करेक्ट है। अब देखिए सेकंड के लिए मैं निकालूँ, सेकंड के लिए आप देखो, इसको टोटल इंक्रीजिंग अमाउंट ही होगी शायद ये, कि क्वांटिटी इंक्रीज इन द, जो न्यू क्वांटिटी है ये आपकी, न्यू बोल दो यार, फेयर सही है आपकी, फेयर क्वांटिटी, इसके लिए फेयर न्यू क्वांटिटी ऐसे बोल सकते हो, न्यू क्वांटिटी ये था आपका। उसके बाद में सेकंड जो था आपका, सेकंड द इंक्रीजिंग फेयर। अब ये क्या है, इंक्रीजिंग फेयर था आपका, यहाँ से मैंने आपको बताया था इंक्रीजिंग फेयर था,
तो इंक्रीजिंग फेयर की वैल्यू आपको गिवन है, ये जो फेयर न्यू आई है ये इंक्रीज होके आई है, तो इंक्रीजिंग क्वांटिटी भी मैं इसको बोल सकता हूँ, इसके अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग वैल्यू कह देता हूँ या क्वांटिटी एक ही बात है, क्योंकि इसमें तो एड है दोनों वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू और इंक्रीजिंग वैल्यू दोनों एड है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, फेयर न्यू क्वांटिटी इंक्रीजिंग वैल्यू हो गई है। अब आपको इंक्रीजिंग फेयर गिवन है, तो देखिए इंक्रीजिंग फेयर कितना 270 इक्वल टू, उसके बाद में आपका जो सेम रेशियो है 9/7। अब यहाँ पे आपको ओरिजिनल वैल्यू नहीं गिवन है, सेकंड के लिए ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, इंक्रीजिंग वैल्यू गिवन है, तो इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, ये लो, तो एक्स की वैल्यू निकालूँ तो 207 उल्टा हो के मल्टीप्लाई कितना 7/9, इससे मैं कैंसिल आउट करूँगा तो कितना 2 और 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 × 3 कितना 1, 7 × 2 14, 14 और 2 कितना 116, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से ये ओरिजिन फेयर, अब मैं ये तो थी इंक्रीजिंग वैल्यू, ये ओरिजिनल वैल्यू, फेयर कितना इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीजिंग फेयर देखिए, यानी इंक्रीजिंग फेयर बोल सकते हो या फिर आप वैल्यू बोल सकते हो, इंक्रीजिंग वैल्यू कह देता हूँ या फेयर, एक ही बात है, जो आपको टोटल फेयर में से इंक्रीजिंग फेयर निकालना था, तो कितना लिख सकता हूँ मैं 270 माइनस का 161 इक्वल टू, तो कितना 16, 10 में से 6 गया कितना 4, ये आपका इंक्रीजिंग फेयर आ गया। देखना ध्यान से, दोबारा देखना, ये आपका ओरिजिनल है, ये टोटल या न्यू फेयर न्यू क्वांटिटी में इसको बोल सकता हूँ, ये टोटल आपका जो न्यू फेयर क्वांटिटी ये आई कैसे, इसमें एड होगी ओरिजिनल क्वांटिटी प्लस कौन सी इंक्रीजिंग वैल्यू, ये दोनों। यहाँ पे मैं क्या निकाल रहा हूँ, इंक्रीजिंग प्राइस, यानी इस ओरिजिनल प्राइस पे इंक्रीजिंग वैल्यू कितनी हुई वो निकालना था आपको, तो ये 70 आ गया। अब यही फॉर्मूला यहाँ पे आपको इंक्रीजिंग फेयर दिया हुआ है, यानी टोटल अमाउंट ऑफ इंक्रीजिंग फेयर ये निकालना था, या आप इसके लिए टोटल फेयर ऑफ इंक्रीजिंग ये भी आप बोल सकते हो, तो आपके अनुसार इसको एडजस्ट करना है। तो ये तो टोटल अमाउंट हो गई इंक्रीजिंग, कितनी अमाउंट टोटल मिलकर हुई है, ओरिजिनल आपको दी हुई नहीं है, एक्स निकाल ली तो एक्स की वैल्यू कितनी 160। अब ओरिजिनल वैल्यू ये है, इंक्रीजिंग वैल्यू ये है, इंक्रीज हुई कितनी, इंक्रीज किस पे होगी इस पे, तो टोटल इंक्रीजिंग वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू इक्वल टू 46 रुपीज़ आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, बाई द इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एंट्री टिकट ऑफ द फेयर, तो सबसे पहले जो कॉस्ट है वो किसकी लिखूं, कॉस्ट ऑफ एंट्री टिकट की वो कितनी है, किस रेशियो में, 10:13 में, ये टिकट की एंट्री की कॉस्ट है, इंक्रीजिंग हो रही है 10 to 13 के अंदर। फिर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ विजिटर, तो नंबर ऑफ विजिटर की मैं बात करूं वो कितने में इंक्रीज हो रहे हैं आपके, डिक्रीज हो रहे हैं, पहले 6 थे अब कितने हो गए 5 हो गए, अब कितने हो गए 5 हो गए, तो इन वोट रेशियो इन द टोटल कलेक्शन, तो देखो ध्यान से, टोटल कॉस्ट कितनी थी आपकी पहले, ये पहले की थी और ये आपकी बाद की थी, तो ये तो आपकी पहले की थी, तो इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, ये सेकंड कॉस्ट थी आपकी, तो पहले की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी 10 थी, नंबर ऑफ विजिटर कितने थे 6 थे, तो मैं यहाँ से टोटल अमाउंट निकालूँ, मैंने आपको एक चीज़ बताया था अभी अभी कि 1 की वैल्यू 10 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी 60 होगी, क्योंकि इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1 × 6 × 6 है तो कितना आएगा 60 आएगा। तो देखो पहले टिकट कॉस्ट ऑफ टिकट कितनी थी 10 थी, अब नंबर ऑफ विजिटर कितने थे आपके 6 थे, तो यहाँ से टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, यानी कलेक्शन कितना हुआ इस केस के अंदर 60 रेशियो, यहाँ से कलेक्शन कितना हुआ 65। अब देख के आपको पता चल रहा होगा कि यदि नंबर ऑफ विजिटर डिक्रीज हो रहे हैं तो कलेक्शन भी आपका क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, कितना हो रहा है 5 हो रहा है यहाँ से। अब यदि मैं कैंसिल आउट करूँ, कैंसिल आउट हो रहा होगा आपको पता है किससे 5 से, ये 5 से कैंसिल आउट होगा तो कितना 12, यहाँ पे कितना
13, ये रेशियो आ गया। क्या इन वोटर रेशियो इन द कलेक्शन इंक्रीज या डिक्रीज? तो आपका डिक्रीजिंग आया है। कौन सा रेशियो आया है? 12:13। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में इन ए ब्रैकेट द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ ऑरेंज जेस एंड एप्पल कितना? 7:13। अब देखिए, मैंने ये बताया कि क्वांटिटी निकालेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा। यदि यहां से मैं नंबर ऑफ ऑरेंज की क्वांटिटी निकालूं तो कितना आएगा? 7x। फिर यहां से नंबर ऑफ एप्पल की क्वांटिटी निकालूंगा तो कितने आएंगे आपके? 13x आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अगले ने ये बोला है कि इफ 8 ऑरेंज एंड 11 एप्पल्स, एप्पल सही है आपके, मोर देन वन है, तो 11 एप्पल्स आर ईटन, यानी क्या है ईटन का मतलब खा जाते हैं, तो कितने 7x में से कितने ऑरेंज खा रहा है यहाँ पे ईटन? 8 ऑरेंज, और 13x में से कितने एप्पल? 11 एप्पल ईटन। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ ऑरेंज एंड नंबर ऑफ एप्पल बिकम, यानी जब 7x में से 8 खा जाते हैं और 13x में से 11 खा जाते हैं तो इनका रेशियो कितना हो जाता है? 1:2 हो जाता है। तब आपको क्या निकालना है? फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ ऑरेंज एंड ओरिजिनल नंबर ऑफ एप्पल्स निकालने। देखो, सबसे पहले नंबर ऑफ ऑरेंज 7x है, यदि x की वैल्यू में निकाल के यहाँ पे पुट कर दूँ तो शायद आपकी वैल्यू आ जाएगी, और शायद क्या आ ही जाएगी। तो देखिए, यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो इस 2 को इधर मल्टीप्लाई, तो 2 × 7x - 8 = 13 - 11 आ जाएगा। ये हाँ सही है। इस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो 14x - 16 = 13x - 11। ये 13x इधर आएगा तो 14x - 13 कितना? 1x। ये 16 उधर जाएगा तो प्लस का 6 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 - 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अब देखिए, नंबर ऑफ ऑरेंज 7 × 5 कितना? 35। 13 × 5 कितना? 65। ये नंबर ऑफ ऑरेंज कितने थे? 35 थे। ये नंबर ऑफ एप्पल कितने थे? 65। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, तो पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन कर देना आप। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन ए मिक्स ऑफ 120 kg ऑफ मिल्क एंड वाटर, यानी एक मिक्स है, मिक्सर है, उसमें टोटल मिक्सर कितना है आपका? 126 kg है। ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका। अब यहां पे आपको ये गिवन है कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो है आपका यहां पे 5:2। टोटल कितना हो गया? 7, और 7 की वैल्यू आपको गिवन है। यदि मैं मिल्क की बात करूं यहां से, यहां पे देखिए, मिल्क की बात करूं किसमें? केजी के अंदर, तो टोटल अमाउंट कितनी है? 7। टोटल रेशियो कितना है? 7। 126/7 × किसकी वैल्यू निकालना है? मिल्क की, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कैंसिल आउट करूंगा तो कितना आएगा? 118। तो 18 × 5 कितना? 19 kg। यानी मिल्क कितना है? 19 kg। किस मिक्सर में? इस मिक्सर में। तो 126 में से ये माइनस कर दोगे तो आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी? वाटर की वैल्यू आ जाएगी। तो वाटर
इक्वल टू, यहाँ से आप निकाल सकते हो वैसे 126/7 इंटू किसकी निकालनी है, वाटर की, तो वाटर की निकालेंगे तो ये कितना 18 इंटू टू कितना 36 kg। अब आगे देखिए, आगे जो कंडीशन दी हुई है कि हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, तो एडेड वाटर को मैं लेट करके लेट एडेड वाटर कितना मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। एडेड वाटर को मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। फिर आपको क्या निकालना है, टू बी मिक्सर टू मेक हिज रेशियो, यानी मैं उस मिक्सर के अंदर x वाटर और ऐड कर देता हूँ तब तो आपका रेशियो, देखो मिक्सर के अंदर 90 kg तो आपका मिल्क तो है ही है, वाटर कितना था 36 के अंदर x ऐड कर रहे हैं तो 36 प्लस में x, वो मिक्सर क्या हो जाता है 3/2 हो जाता है। समझ में आया होगा आपको, देखना ध्यान से, वो आपका मिल्क कितना था 126, मिक्सर में से 90 तो आपका मिल्क था, वाटर कितना था 36 था। अब इसमें इस वाटर के अंदर मुझे क्या करना है, x को ऐड करना है, क्योंकि आपको बोला है कि जब आप वाटर x को ऐड करते हो तब आपका रेशियो 3/2 हो जाता है। तो देखिए इसको मैं करूं तो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई, 180 इक्वल टू 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 108 प्लस में 3 को x के साथ में 3x हो जाएगा यहाँ पे, तो 3x इक्वल टू 180 माइनस का 108, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूं तो ये कितना आ जाएगा 72/3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और 4, कितना kg वाटर अपन मिला रहे हैं, 24 kg वाटर अपन और मिलाएंगे तब आपका रेशियो क्या बन जाता है 3/2 रेशियो हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल क्वेश्चन है, देखना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आपको ए रेशियो बी इक्वल टू 3:4 दिया हुआ है, फिर बी रेशियो सी इसकी वैल्यू 6:4 गिवन है आपको, 6:7, और फाइंड करना है पहला क्या ए रेशियो बी रेशियो सी इसकी वैल्यू निकालनी है, सेकंड आपको निकालना है यहाँ पे बता देता हूँ, ए रेशियो सी की वैल्यू। अब याद हो तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, यदि ए रेशियो बी गिवन है तो बी रेशियो सी भी गिवन है, तो बी के नीचे आपको बी लिखना है, तो यहाँ से क्या आएगा ए के नीचे ए, तो ये लो ये लिख देता हूँ मैं, कितना 3:4, फिर बी रेशियो तो ये बी की वैल्यू 6:7, समझ में आया होगा आपको। देखिए अब इसको सोल्व करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 18, इसका मल्टीप्लाई कितना 6:4 ही है ना, 6:4 ठीक, तो ये कितना आ जाएगा आपका 24, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 28, कैंसिल आउट हो रहा है साइड 2 से हो रहा है, तो देखिए 9 ये कितना 12 और ये कितना 1/4, ये आपका रेशियो मिल जाएगा। समझ में आया होगा, मैंने इस ट्रिक को पहले भी बताया था आपको। अब आपको चाहिए ए रेशियो बी सी की वैल्यू, तो ए रेशियो सी की ए की वैल्यू कितनी है 9:14, ये यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर है इसका, ये फर्स्ट पार्ट था आपका, ये ए था, बी पे चलते हैं, बी कितना आपका ए रेशियो बी इक्वल टू 2:4
फोर, ए रेशियो बी इक्वल टू टू रेशियो फाइव है, फिर ए रेशियो सी की बात करूं तो कितना है, थ्री रेशियो फोर, तो ये आ जाएगा आपका फोर। यहाँ से अपन को निकालना है ए रेशियो बी की वैल्यू, क्या निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू निकालना। तो देखिए ध्यान से, यहाँ ए सेम है तो यहाँ से मैं क्या लिख दूँ, देखो ध्यान से, इस रेशियो में ऐसे लिख सकता हूँ बी रेशियो ए, ये कितना हो गया आपका टू रेशियो फाइव हो गया, टू रेशियो फाइव नहीं फाइव रेशियो टू, क्योंकि उल्टा किया मैंने तो फाइव रेशियो टू हो गया। आई होप समझ में आया होगा आपको। आगे देखिए ए, ये क्यों किया मैंने, क्योंकि ए आपका कॉमन है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, ए रेशियो सी इक्वल टू थ्री रेशियो फोर, थ्री रेशियो ए तो ये है ना आपका, तो थ्री रेशियो फोर, ये आपका रेशियो की वैल्यू आ जाएगी थ्री रेशियो फोर। अब देखिए, अब मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, ये ए की वैल्यू आ जाएगी, ये बी की वैल्यू आ जाएगी और ये सी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो कितना, 15 रेशियो, ये बी की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू यहाँ से देखिए, ये बी की वैल्यू, ये ए की वैल्यू और ये आपकी सी की वैल्यू, तो 15 फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 8, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इफ फर्स्ट है 19 का कि 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 6c है, और आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ से a रेशियो b रेशियो c निकालना है। तो देखिए सबसे पहले यदि a की वैल्यू निकालनी है आपको यहाँ से a रेशियो b की वैल्यू, तो इसको हटाओ, इस 4 और इसका मल्टीप्लाई कितना 24, b को निकालने के लिए b को उठाओ, तो b को उठाएंगे, ये आपका कैपिटल है, ये a है, ये b है आपका और ये कैपिटल c है, तो b की वैल्यू निकालेंगे b को, तो 3 और इसका मल्टीप्लाई कितना 18, फिर इसकी वैल्यू निकालने के लिए इनका मल्टीप्लाई तो कितना जाएगा 12, तो कितना आंसर है आपका 24 रेशियो 18 रेशियो और 12 रेशियो, 3 से डिवाइड हो रहा है तो कितना 8, 3 से, हाँ 3 से हो रहा है, तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4, तो ये 6 से हो रहा है ना, तो 6 से 4 रेशियो 3 रेशियो 2, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसका जो सेकंड है वो देखते हैं, 2a इक्वल टू 3b एंड 4b इक्वल टू 5c। अब इसमें रेशियो निकालना पड़ेगा, सबसे पहले a रेशियो b की वैल्यू निकालूं तो 3 अपॉन में 2 आ जाएगा, यहां से वैल्यू किसकी आई, a रेशियो b की वैल्यू कितनी आई 3 रेशियो 2 की, यहाँ से वैल्यू निकालूं तो b रेशियो c की वैल्यू कितनी 5 अपॉन में 4, तो देखिए b रेशियो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 रेशियो 4, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो a की वैल्यू, ये b की वैल्यू और ये c की वैल्यू, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा 15 रेशियो 10 रेशियो और 8, कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो ये आपका रेशियो में वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कंपाउंड रेशियो आपको निकालना है, तो कंपाउंड रेशियो भी सिंपल है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 का जो फर्स्ट है इसमें निकालना क्या है, कंपाउंड रेशियो निकालना है। तो 20 का फर्स्ट देखिए 2:3, 9:14 एंड 14:27, ये वैल्यू निकालनी। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या था, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो 2:9:14 इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो कितना जाएगा 3:14:27। तो देखिए 9 से ये कैंसिल आउट होगा तो कितना 3 आ जाएगा, और इस 14 से ये 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेशियो क्या मिला रिमेनिंग 2:9, ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट का कंपाउंड रेशियो। सेकंड देखिए, सेकंड में आपको 2:3, ये रेशियो आपका एंड MN:x² एंड x:n। तो मैंने बताया था कंपाउंड में क्या है, इसका मल्टीप्लाई पहले के साथ में, पहले के साथ में, यानी तीनों पहला फर्स्ट एलिमेंट अपन यहाँ से लेंगे, तो 2:MN:x इसका रेशियो किसके इक्वल होगा 3:x² n। तो n से तो n कैंसिल आउट, x की एक पावर कैंसिल आउट, रिमेनिंग वैल्यू कितनी 2:3x, ये आपका रेशियो बन जाएगा कंपाउंड रेशियो। फिर क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं, इसका थर्ड पार्ट क्या है, √3:2:1, √5 एंड √20:9, ये आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ में, इसके साथ में, इसका इसके साथ में, तो देखिए √2:3, ये 3 है, √20 इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में और इसका इसके साथ में, देखिए 1:√5:9, तो ये 9, तो इस 9 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, √3, 20 को क्या लिख सकता हूँ मैं, √4:5 इक्वल टू 1:√5:3, √5 से √5 कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे यानी रूट तो हो ही जाएगा ना इसका, तो 2:√2:3, ये इक्वल टू नहीं है, रेशियो आपका यहाँ से ये आंसर आपका मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका कंप्लीट है, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा अच्छे से। तो अब जो 21 से लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे